नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों की इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको इलेक्ट्रिशियन के अंदर अपने ट्रेड के संबंधित जानकारी और उस ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के संबंधित क्या सावधानी रखनी है, क्या सुरक्षा रखनी है, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, वे ढंग से इस क्लास को देखें, जिसे आपको एग्ज़ाम में इसमें इस क्लास में से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मैं इस क्लास के अंदर आपको यह बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर आप 2 साल का कोर्स होता है, और इस 2 साल कोर्स के अंदर आप जितने भी लाइट का काम होता है वे अच्छी तरह से सीख जाते हो। मैं प्रैक्टिकल की बात भी इस क्लास में करूँगा, और आगे इसमें वीडियो बना के आपको भी भेजूँगा कि भाई प्रैक्टिकल क्या क्या होता है, औजार क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल में किस किस औजार की आवश्यकता पड़ती है। देखो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आप NCVT से IT कर रहे हो, और NCVT से जब IT कर रहे हो तो ऑल इंडिया के अंदर आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। सोलर में भी जॉब प्राप्त कर सकते हो आप, गवर्नमेंट जैसे रेलवे में भी जॉब प्राप्त कर सकते हो, प्राइवेट अदर कंपनियों में भी अच्छी तरह से आप इलेक्ट्रिशियन का जॉब प्रोवाइड कर सकते हो। ये भी नहीं होता है तो सबसे अच्छा है कि आप जो प्रैक्टिकल काम सीखा है उसको देखते हुए भी आप अपना स्वयं का कार्य कर सकते हो इलेक्ट्रिशियन में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनको हमेशा सुरक्षा और सावधानी क्या रखनी चाहिए। सुरक्षा सावधानी यह है कि जब भी इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में आप जाते हो तो आपके बड़े रबड़ के जूते पहने हुए होने चाहिए। उससे पहले आप वर्कशॉप में जाते हो तो वहाँ और वर्कशॉप को की जानकारी, वर्कशॉप सभी पैनल की अच्छी तरह से जानकारी ले ले, और पैनल के अंदर अर्थिंग सप्लाई, अर्थिंग का कनेक्शन है या नहीं है, वह परिपूर्ण उसकी जानकारी प्राप्त कर ले। अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम नहीं है, अधिक है प्रतिरोध उसको कम करने का प्रयास करें। अब देखो, आप जब भी वर्कशॉप में जाते हो एक अर्थिंग की प्रॉपर ध्यान रखोगे, आप पैरों में बड़े रबड़ के जूते पहने हुए होने चाहिए, हाथों में ग्लव्स, आपके दस्ताने होने चाहिए रबड़ के। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए आप वर्कशॉप में गए, वहाँ विद्युत पूरे कनेक्शन 3 फेज और सिंगल फेज के होते हैं, वहाँ मोटर के अंदर 3 फेज का कनेक्शन हो गया है, और उस समय आपने कोई करंट लीक हो गया है, और उस तो आपने बिना जानकारी उस चीज़ के हाथ लगाया तो विद्युत का झटका आ सकता है, कोई दर्दनाक घटना भी हो सकती है। इसलिए आप वर्कशॉप में जाते हो उससे पहले अपने ये 3 चीज़ें मुख्यतः ज़रूर ध्यान रखें। वर्कशॉप में जाने के बाद में जो चीज़ें हमें पता है उन्हीं चीज़ों का हाथ लगाएं, उन्हीं चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें, अन्य चीज़ों को हाथ से ना छुएं। जिससे क्या होगा, हमें बिना जानकारी, जैसे अपने कफल जो एमजी सेट होते हैं, मशीनें चलू है, आप हाथ लगा रहे हो, वहाँ अपने ढीले कपड़े पहने हुए वे भी उसके संपर्क में आ रहे हैं तो भी घटना हो सकती है। आपको वर्कशॉप में जाने के बाद में अच्छी तरह से पहले वर्कशॉप की जानकारी प्राप्त कर ले, कौन सा पैनल कहाँ है, कौन सी मशीनरी कहाँ उपयोग में आती है। उसके बाद में आपको जैसे ही प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल चलेगा उस समय ये चीज़ें बता दी जाएगी। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर अच्छी हमेशा ये हमेशा चीज़ें, जैसे भी जब भी आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, कंपनी में कोई जॉब करने जाते हो, तो ये चीज़ें तो सुरक्षा हमेशा आपको रखनी ही रखनी है। अब क्या होता है, आप वर्कशॉप में जाते हो उससे पहले आपका शरीर, जैसे के भाई बारिश का मौसम हो, वहाँ अपने हाथ पैर गीले हैं, हमने वहाँ मशीनरों के हाल लगा रहे हैं, उस समय अपने को वर्कशॉप में ना जाएं, जिसे क्योंकि विद्युत के संपर्क में न आए। अपने को पूर्णतः सुरक्षा की ध्यान रखनी है, और सुरक्षा के साथ में रहते हुए भी अपने ट्रेड में पूरा कार्य करना है।
अपने को यहाँ वर्कशॉप के अंदर जो भी अपने अग्निशामक की बाल्टियाँ होती है वह प्रॉपर उसमें रेत है या नहीं है और वह सूखी रेत है या नहीं है उसको अच्छी तरह ध्यान करें। अपने वर्कशॉप के अंदर यह भी ध्यान करें कि उसमें सिलेंडर है या नहीं है, CO2 का सिलेंडर है या नहीं है और अपने हेलोन गैस का सिलेंडर है या नहीं है। वह प्रॉपर परिपूर्ण रूप से उसको ध्यान करें और उनको रखें, जिससे अपने को मान लीजिए कि तार शॉर्ट सर्किट हो जाए, वहाँ के वर्कशॉप में आग लग जाए, तो वह परिपूर्ण रूप से हम तैयार रहें, बुझा सकें। अपने को ये चीज़ें सबसे पहले वर्कशॉप में आते हैं तो अच्छी तरह इन चीज़ों की ध्यान होना चाहिए। अब देखो, वर्कशॉप में जाने के बाद में आपको सबसे पहले उसमें आपको एक औजार बताए जाएंगे। औजार को हमें अच्छी तरह से ये समझना है कि औजार अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लंबे समय से जो औजार पड़े हैं उन पर जंग आया हुआ है तो उनको परिपक्व रूप से वापस ठीक करें। वापस ठीक करने के बाद में उसका उपयोग करें। आप बिना गंदे और ख़राब औजार का उपयोग करोगे तो भी आपके दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आप वर्कशॉप में जाते हो तो परिपूर्ण स्ट्रेड में आपको सचेत रहना है और परिपूर्ण रूप से कार्य करना है। आपने ढंग रूप से सचेत नहीं रहते हुए इसमें कार्य किया तो इसमें किसी प्रकार की घटना हो सकती है। अब मैं आपसे बताता हूँ कि वर्कशॉप में जाने के बाद में वहाँ जो चिन्ह होते हैं, जो अपने सुरक्षा चिन्ह होते हैं, वे हमें किस प्रकार से हमें ये बताते हैं कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं या यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले आपको एक चिन्ह बताऊँगा जिसका नाम है निषेधात्मक चिन्ह। जिस इस चिन्ह का काम क्या होता है, इसका जो कार्य होता है वे आप समझते रहना कि ये कार्य जो करेगा मना करना, ये मना करने का कार्य करता है। अब देखो ये काम, देखो इसका जो काम है ये कर का मना, जो इसका चिन्ह का आकार कैसा होगा वे बेटा होगा गोलाकार, ये भी याद रखें। देखो इसके अंदर जो पृष्ठभूमि होती है और पृष्ठभूमि कैसी होगी वे आपके इस चिन्ह के अंदर आप स्पष्टली देखेंगे सफ़ेद रंग की होगी। देखो इस चिन्ह के अंदर मैं अभी ये सारी चीज़ें समझूंगा कि अभी ये डिटेल्स मैन शॉर्ट लिखा रहा हूँ इसके। देखो इसमें देखो क्रॉस जो पट्टी है, जो क्रॉस पट्टी है वह क्रॉस पट्टी का रंग जो होगा वह लाल रंग की पट्टी होगी। बॉर्डर और क्रॉस पट्टी का रंग लाल होगा, इसलिए आपको उपयोग में इन चीज़ों का किस प्रकार से करना है और यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार का आपको कहीं वर्कशॉप के अंदर सुरक्षा चिन्ह मिलेगा और इसकी पट्टी जो साइड में जो पट्टी होगी वह पूर्णतः लाल कलर की होगी, येलो। जो इसके अंदर जो चिन्ह होगा, मैं यहाँ चिन्ह का नहीं लिखा है, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वह आपका काला रंग का होगा, यहाँ पर भी बात याद रखनी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे याद रखोगे। यहाँ आपके पास में यहाँ इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है, ये लीजिए ये डायग्राम सिगरेट का, और यहाँ पर इस प्रकार से ये भी कलर, इसका जो कलर होगा, मैं ये थोड़ा गाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर ये दीजिए, ये देखो ये जो होगा बॉर्डर होगा वे आपका इस प्रकार से लाल मिलेगा पूर्णतः, मेरे पास ब्लैक पेन नहीं अभी। और यहाँ पर ये जो इसका बॉर्डर और क्रॉस पट्टी जो होगी वे लाल रंग की होगी और ये जो चिन्ह है वे काला रंग का होगा, जो ये पृष्ठभूमि है वे सफ़ेद रंग की होगी। बेटा अब मेरी बात समझो कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ आप सिगरेट नहीं पीनी है,
आपको सुरक्षा जो चिन्ह होते हैं, जो सूचनात्मक जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, वे आपको ये बताते हैं कि हमें यहाँ सिगरेट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे जहाँ पर मोबाइल का प्रयोग नहीं करना होता है, मोबाइल के ऊपर भी इस प्रकार से पट्टी लिखी आती है। आपको और भी बता दूं कि यहाँ पर भी ऐसे रहते हुए यहाँ पर चार अपने चिन्ह बताएंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर माचिस का प्रयोग, या तुली का अपने सिगरेट जलाते हुए माचिस का प्रयोग, या कूड़ा कचरा ना डल, इस प्रकार का कहीं क्रॉस लिखा हुआ, तो वहाँ पर ये समझ जाए कि यहाँ पर अपने को स्पष्ट ये चीज़ें मना कर रही है, हमें उपयोग में यहाँ पर उपयोग नहीं करनी चाहिए। अब सवाल पीछे वाले एग्ज़ाम के आईटी के बच्चों में क्या पूछा गया था कि निषेधात्मक, देखो निषेधात्मक की निषेधात्मक के चिन्ह का रंग होता है। अब मैं पूछूं चिन्ह का रंग कैसा है, अब आपके सामने पड़ा चिन्ह येरो चिन्ह, ये काला रंग का है, नीचे ऑप्शन आएगा काला, लाल, सफ़ेद, इनमें से कोई नहीं, तो आप कर लीजिएगा, आराम से ऐसे सवाल कर लोगे। तो ये था निषेधात्मक चिन्ह, और इस प्रकार से आप कर लोगे, और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। आगे वाला कौन सा चीज सिंबल है वे भी समझने का प्रयास करोगे आप। देखो आगे वाला जो चिन्ह है उसका नाम है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक जो संकेत है वह अपने आवश्यकतम सुरक्षात्मक चिन्ह है। आवश्यक जो चिन्ह है वह किस प्रकार से कार्य कर रहा है, देखो इसका जो कार्य होता है ये करना जरूरी है। देखो इसके अंदर यह भी है, जो इसका जो आकार होता है वे भी आप लिख लेना, इसका आकार होता है गोलाकार। देखो इसके अंदर जो आपको चिन्ह होगा वे सफ़ेद रंग का होगा, इसके अंदर पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि वे काले रंग की होगी, उसका रंग काला होगा पृष्ठभूमि का। यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर आपको ये करना जरूरी है, इस प्रकार का जो चिन्ह होगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आपके हाथों के दस्ताने बना दूँ, इस प्रकार के हाथों के दस्ताने मान लो, इस प्रकार से आपको अंदर सिंबल मिले, तो आप यहाँ समझोगे कि इसका जो आपको पृष्ठभूमि का जो कलर मिलेगा वे काला मिलेगा, और जो चिन्ह मिलेगा वे सफ़ेद मिलेगा, और आकार इसका गोलाकार मिलेगा। ये स्पष्ट यह कहना कि आप लाइट का कार्य कर रहे हो और आपको इस प्रकार का सिंबल मिलता है, तो वहाँ पर अपने को ये चिन्ह सुरक्षा पहले ही सुरक्षा दे देगा, ये बता देगा कि हाथों में दस्ताना पहन लीजिए। आपसे सिर में मान लीजिए कि हेलमेट का डायग्राम इस प्रकार से आ जाए, तो आपको लग जाएगा कि यहाँ पर हेलमेट पहनना अति आवश्यक है। आपसे इस प्रकार से कहीं और मिल जाएगा कि अपने को या वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ चश्मा लगाना, वहाँ चश्मा का सिंबल आ जाएगा, तो वहाँ चश्मा लगाना अति आवश्यक है। जैसे कोरोना काल के अंदर मास्क था, उस समय आपको इस प्रकार के सिंबल आता था कि यह मास्क लगाना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर ये काम, ये आवश्यक जो चिन्ह होते हैं ये करना जरूरी होते हैं। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो दो मैंने बता दिए हैं, दो अभी और बताता हूँ, उन पर भी आप अच्छी तरह से गौर से ध्यान रखें। देखो सूचनात्मक जो चिन्ह होता है, सूचनात्मक जो चिन्ह होता है, इसका जो कार्य होता है
जिसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है सूचना देना, सूचना देना। अब देखो अपने को क्या होगा, इस जो अचिन का आकार होगा वे होगा वर्गाकार वे आयताकार, आयताकार। जो इसमें जो चिन्ह होगा वे आपके सफेद रंग का होगा। इसके अंदर जो पृष्ठभूमि होगी वे आपके पृष्ठभूमि का, याद रखना, हरा रंग होगा। अब देखो आप स्पष्ट इसके अंदर ये समझ सकते हो कि ये चिन्ह अपने को क्या कर रहा है, सूचना देने का काम कर रहा है। जैसे आपने केवी फील्ड में जाते हो इस प्रकार का चिन्ह मिलता है, अंदर इस प्रकार का एक अपने को प्लस का डायग्राम इस प्रकार से बना होता है, यानी ये प्राथमिक उपचार के लिए आपको सूचना दे रहा है। आप कहीं भी ऐसे वर्कशॉप में और भी जाते हो तो वहाँ पर आपको जैसे विकेट मोड़ हो तो इस प्रकार का अपने गाड़ी का आगे से मोड़ है, अपने रोड रोड चल रहे हैं तो इस प्रकार का जो सिंबल मिलता है वही अपने को क्या कर रहा है बेटा, सूचना देने का काम कर रहा है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ये जान जा अपने को इस प्रकार के जो चिन्ह मिलेंगे वह सूचनात्मक चिन्ह होगा। इसमें जो कलर होगा ये एग्जाम वाले ने पूछा है, इसकी पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, हरा होता है। यहाँ आप लोग ये भी मेरे को बताइए कि यहाँ जो पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है, हरा होता है, और यहाँ जो वो जो चिन्ह खुद का चिन्ह कैसा होता है, सफ़ेद रंग का, और आकार आयताकार या वर्गाकार होता है। इसका काम है सूचना देना, यानी आपको ये चीज़ बताता है कि यहाँ प्राथमिक उपचार है या विकेट मोड है या आगे या जंप है। यहाँ पर अपने को जैसे जिस फील्ड में जाते हैं वो अलग अलग सिंबल आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन क्षेत्र में जाओगे तो मान लो कोई व्यक्ति आपके साथ में चलते चलते उसके किसी औजार से चोट लग गई, तो नीचे अपने मेडिकल स्टोर रूम जो प्राथमिक उपचार के लिए होता है वहाँ अपने को इस प्रकार से ऊपर प्लस का डायग्राम मिलेगा, और वहाँ अपने सीधे जाकर क्या कर सकते हैं, जानकारी अपने कुछ पट्टी वट्टी करके ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ें सूचनात्मक चिन्ह में आती है। एग्ज़ाम में इनमें परफेक्टली सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको उनको अच्छी तरह से कॉपी में बनाकर याद रखना है, जिससे अपने को क्या होगा, एग्ज़ाम अपने को एग्ज़ाम में आगे जब भी कंपनियों में जाएंगे आसानी से उनको कर सकते हैं। आगे है चेतावनी चिन्ह। अब देखो चेतावनी चिन्ह में क्या होता है, अपने को चेताने का काम कर रहा है। यहाँ आप इसको देखो चेतावनी चिन्ह आपको क्या करेगा, चेताने का काम करेगा। वे चेताने के काम किस प्रकार से करेगा वहाँ पर देखते हैं, उसको अच्छी तरह से हम उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि चेतावनी जो चिन्ह होता है उनका काम किस प्रकार से होता है। चेतावनी चिन्ह का जो कार्य होता है, इनका जो कार्य होता है चेताना, देखो इसका जो आकार होता है, आप इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। इसका आकार के बाद में इसके अंदर जो जो अपने इसका चिन्ह होता है, चिन्ह का रंग होता है वह इसके अंदर काला होता है, ये भी आप लिख लेना काला। इसके अंदर इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वह पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वह पीला, ये एग्जाम वाले 5 बार पूछ ले पीला होता है। अब देखो यहाँ समझेंगे इसका आकार इस प्रकार के त्रिभुजाकार होगा। आपको यहाँ पर विद्युत के सोर्स के झटके के लिए इस प्रकार का एक सिंबल दिया होगा,
और आप देखते हो गांव के हो फील्ड बार के भी हो, जैसे कहीं अपने जेरील के डिब्बे होते हैं, जेर के डिब्बे ऊपर डेंजर लिखा होता है, और यहाँ डेंजर लिखकर फिर यहाँ पर इस प्रकार का अब सिंबल बना दिया जाएगा और इस पंकाले कंकाल का डायग्राम बना दिया जाएगा इस प्रकार से। अब अपने को ये स्पष्ट ये लगता है कि ये अपने को चेता रहा है कि यहाँ विद्युत का सोर्स का झटका लग से विद्युत का झटका लग सकता है, और इसकी पृष्ठ भूमि का रंग देखो, इसका पृष्ठ इसकी एकमात्र याद रखना इसका पीला रंग होता है पृष्ठ का, और ये त्रिभुजाकार ये होता है, वो इसका ध्यान रखना कि इसके अंदर जो चिन्ह होगा वह काला रंग का होगा। और यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर इस प्रकार से अपने को चेता रहे, पहले से बता रहे, जैसे 3 PS की मान लीजिए आप पहले मेरी बात अच्छी से सुने हैं कि आप जब भी के विद्युत के बड़े पोलों के पास जाते हो, LT लाइन पारेषण लाइनों के पास जाते हो, तो उनके पर इस प्रकार का एक सिंबल बनाकर और ऊपर लिखा हुआ चेत वहाँ अब वहाँ लिखा हुआ डेंजर, यहाँ नहीं जाए यहाँ खतरा है, तो वहाँ पर स्पेशली ये चेता रहा है अपने को बता रहा है कि यहाँ अपने को पास जाना ही नहीं है। अपने को जाने से पहले अपने को खुद को वह भय कर लेता, डरा देता है, चेता देता है कि यहाँ जाना है, यहाँ घटना हो सकती है। तो ये समझ गए होंगे, ये भी इस प्रकार के, इसमें अलग अलग प्रकार के आपको सिम्बल्स मिलेंगे, वहाँ पर इस प्रकार का भी सिम्बल मिलेगा, इस प्रकार का भी सिम्बल मिलेगा आपको, इन्हीं तो इसमें काफ़ी सिम्बल्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको ध्यान रखना। जैसे आपको आपको आग लग, यहाँ पर आग आग का सिम्बल है, यहाँ पर भी आप नहीं जा सकते, यहाँ आप इसके अंदर आप सर्च करके भी और भी इनके, मैं आपको PPT एक अपलोड कर दूंगा साथ में, उसमें देख लेना, और उसमें आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ सिम्बल मिलेंगे, जैसे मैंने एक एक आपको दो दो बताए हैं। इससे अन्य भी सिम्बल्स होते हैं इसके साथ में रिलेटिव होते हैं, वे आप समझ सकते हो, जबकि इनकी पृष्ठभूमि सबकी एक होती है, उनका आकार त्रिभुजाकार सबका होता है, जो चिन्ह का जो रंग होता है वह काला सबका ही होता है। यहाँ पर आप स्पेशली ये चीज़ें मेरी समझ गए होंगे, आज ही मैं क्लास को यही होल्ड करूँगा, आगे वाली क्लास कल मैं सुबह आपको वापस प्रोवाइड करा दूँगा। क्लास कैसे लगी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आगे वाली क्लास आपको कौन किसके अकॉर्ड इसी टॉपिक से आगे चलेगी, यह फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।